हेलो दोस्तों, आरपीएससी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियोस की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो में हम सिलेबस और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे आरवीएनएल के एग्ज़ाम के अंदर जूनियर असिस्टेंट के अंदर 5-6 टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक एक पहले तो सारे बता दूंगा, इसके बाद में इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो भी बता दूंगा। इसके अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान का जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी का है। इसके अंदर राजस्थानी संस्कृति, विरासत, परम्परा, मेले त्यौहार, लोकगीत, संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान का एकीकरण, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की विशेषताएँ जिसमें दुर्ग किले वगैरह आ जाएंगे, धार्मिक पर्यटन आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, हस्तशिल्प, राजस्थान भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये हमारे जीके के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे आधुनिक इतिहास है जिसके अंदर हमारा एकीकरण हो गया और प्रजामंडल आंदोलन हो गए और 1857 की क्रांति हो गई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ में हमारे जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेले त्यौहार, तो वो भी आप एक बार इसमें इंपॉर्टेंट है उनको देख लेना और उनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी के अंदर मुख्य भौतिक विभाग खनिज संपदा, जलवायु, सिंचाई परियोजना, बहुद्देशीय परियोजनाएँ, वन्य जीव अभयारण्य, जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, कृषि, पशु, जनसंख्या और औद्योगिक। इसके अंदर जो जनसंख्या वाला टॉपिक है और वन वन्य जीव वाला टॉपिक है और सिंचाई परियोजना, नदी बांध वाला टॉपिक, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने होंगे। इसके बाद में करंट अफेयर में प्रमुख पुरस्कार, सम्मान, किताबें, लेखक और सम्मानित व्यक्ति, खेलकूद संबंधित घटनाएं जो राजस्थान से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में सरकार की योजना है वो। उसके बाद में पॉलिटी के अंदर हमारे ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वर्तमान में क्या कौन है, कौन राज्यपाल, कौन मुख्यमंत्री, कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं, वो कौन किस पद पर है, और ये पॉलिटी के जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई महत्वपूर्ण योजना चल रही तो वो। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह, पैराजुबीज, एडर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड, ग्रामर, वोक्यूबुलरी, ये सब है। इसके अंदर हमारे जो एरर स्पॉटिंग है एक तो वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वन वर्ड और वोक्यूबुलरी है इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं इसके अंदर, तो ये भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके बाद में हिंदी के अंदर संधि विच्छेद, संधि समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, मुहावरे, लोक, तो इसके अंदर अभी टाइम कम है हिसाब से आपको मेन तो समास का टॉपिक और इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ये उपसर्ग प्रत्यय जो है ये आप अच्छे से एक बार कर लेना, इनसे अच्छे क्वेश्चन बैठ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये हमारा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसके अंदर मैथ्स के जो हैं, इसके अंदर मैथ्स के अंदर ये सारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें मेन मेन तो आपको एक तो एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री और एज कैलकुलेशन, इनको तो आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, इनको अच्छे से करना है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। और बाकी भी एक दो जो टॉपिक है जो उनको भी आप एक बार देख लेना, जैसे कि एक ये है जैसे नंबर सिस्टम वाला है और फ्रैक्शन है, इनको भी आप एक बार देख लेना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो राजस्थान के इस एग्ज़ाम में आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट में जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है तो इसमें जीके का जो वेटेज है इसको बढ़ाकर 48% कर दिया है। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं या 100 का पेपर होगा तो उसमें 48 जो है वो जीके का रहेगा। तो जीके के अंदर जीके में राजस्थान की ज्योग्राफी भी हो गई और करंट हो गया और जीके नॉर्मल है वो भी हो गया, इतिहास ये भी हो गया, पॉलिटी और इकोनॉमी भी हो गई, तो इनको आप सब इनको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर आप अगर जूनियर अकाउंटेंट और जेईएन वगैरह में देखो तो। और जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आर्ट एंड कल्चर है, एक तो एक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सर्वे है, डेट प्लेसेस है, गवर्नमेंट स्कीम है। और जीके का थोड़ा टफ जो लेवल रह रहा है इसलिए आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे भी फोकस करें और उनको भी अच्छे से कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए हो
वैसे तो सभी पीडीएफों के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है, और इसके अलावा मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।